आज मैंने आपको बहुत मिस किया, आपके परफ्यूम की याद आ रही थी। मुझे आज भी देर हो गई यार। अच्छा, कैबिनेट में रखा हुआ है, हमें भी याद कर लिया करें, और वो परफ्यूम नहीं, इत्र है। जी, आपकी तो बिल्कुल याद नहीं आई, वरना आपको भी कैबिनेट में बंद कर देती। खाना खा लीजिएगा, आज काफी काम बिखरा है, देर हो जाएगी। आज अनारकली के पास बहुत ही उम्दा किस्म के गोलगप्पे खाए मैंने। पहले सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं, फिर सोचा जो यहाँ खाने का मजा है वो पैक करके नहीं। एक फोन ले लेना प्लीज, आपके सुनने का कोई नुकसान नहीं होगा। मोहब्बत भी कैसी चीज है, फंसा ही देती है इंसान को। आज भी वही घिसी पिटी खबर है, सच बोलने वाला बेवकूफ और झूठ बोलने वाले, वाह वाह भाई वाह। दिन भर नौकरी करो और घर आके ये बनी हुई शक्ल देखो। दिन को रात बताओ और रात को दिन, और यही सुनाओ भाई सबको, सबको सुनना भी यही है। मैंने तो ईमानदारी देखकर शादी कर ली थी और अब पछतावे। ये ऐसे क्यों हो रही है? इसको मेरा चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं, खुद भी नाटक करती है चाय पीने का, झूठी मूठी। रखते रखते चाय रखते, नहीं भी नहीं मेरे को चाय। बेटा घूर रहा है पर बोलने की हिम्मत नहीं। जरूरी काम से जा रहा हूं, वापसी पे देरी हो जाएगी। सुनिए, तेरा आर्टिकल काफी पसंद आया बॉस को, बट यू नीड टू वर्क मोर फॉर टुमारो। क्या हुआ, किस सोच में गुम है? पता नहीं आदर साहब, ईशा आजकल कुछ उखड़ी रह रही है। तो तू ले डालना एक मोबाइल फोन, तेरी भी जान को सुकून, उसकी भी जान को सुकून। बात मोबाइल फोन की नहीं, बात मोबाइल फोन की बिल्कुल नहीं, बात है लैक ऑफ कम्युनिकेशन की। मोबाइल फोन ले लिया तो बचता ही रहेगा, हाल देखें आप लोगों का, मोबाइल फोन हाथों में थमाकर अकल के नाखून छीन लिए। क्या हो गया भाई, किस जमाने में रहते हो? हाजिर साहब, दिल को दिल से राह होनी चाहिए, ये खिलौने रिश्तों को बेमानी कर देते हैं। तू ठीक है भाई, खाना बना के रखती है, आकर उठा दीजिएगा। तुम्हारी नींद खराब नहीं की, इसलिए खाना खुद ही गर्म करके खा लिया। कल रात तुम काफी देर से आए और खाना भी नहीं खाया, खाना गरम करके खा लेना, काम के लोड की वजह से देर से लौटूंगी। काम का लोड बहुत ज्यादा है और कुछ रोज इसी तरह देर हो जाया करेगी, कल रात काफी देर से लौटूंगा। बिजली और पानी का बिल जमा करवा दिया है, सफाई वाली अपनी तनख्वाह मांग रही थी। 2000 रुपए रखे हैं और आज जल्दी जा रहा हूँ। कल हमारी एनिवर्सरी थी, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा इंतजार करती रही। आई एम सो सॉरी मेरी जान, काम के सिलसिले में बिल्कुल जहन से ही निकल गया, आर्टिकल लिख लिख के ईशा थक चुका हूं मैं, लेकिन आज आज तुम्हारा मुजरिम घर जल्दी आ जाएगा, तैयार रहना, बाहर डिनर पर चलेंगे, जस्ट यू एंड मी। ईशा, अपनी बहुत सी आरज़ुओं का गला घोंट कर, अपनी ख्वाहिशात को लगाम देकर, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारी जिंदगी में आ गई, और तुमसे इतना ना हुआ कि मेरे जज्बात, ख्यालात, मेरे ख्वाबों को जानने की कोशिश करते? तुम्हारे साथ चंद लम्हे गुजारने के लिए मैंने चाय बनाना ही नहीं पीना भी सीख लिया। नौकरी करके घर आती तो तुम सोए होते, जाती तुम लिख रहे होते, पढ़ रहे होते, एक गुड बाय तक ना कहते। तुम लिखते रहे और मैं तुम्हारे मुँह से कुछ फिक्र सुनने के लिए तरसती रही। तुम मेरे समीर नहीं रहे, मेरा समीर तो पता नहीं कहाँ खो गया, शायद
शायद हम एक दूसरे के काबिल ही नहीं। कौन? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, जा रही हूँ। आप? तुम चाय बना कर जरूर लाती थी, लेकिन शायद तुम इस बात से वाकिफ नहीं थी कि मैं जानता था कि तुम चाय नहीं पीती। रोज उस चाय के कप से मैं जंग करता, लड़ता, और आहिस्ता आहिस्ता ईशा मैंने चाय पीना ही छोड़ दिया। तुम्हें इतना भी तंग नहीं करना चाहता था मैं। गरीब घराने से ताल्लुक था मेरा, लेकिन तुम्हें आराम की कमी कभी नहीं होने देना चाहता था। नहीं जानता था कि इस कड़ी मेहनत के बदले हमारा रिश्ता हाथों से छूट रहा है। घर आया तो तुम्हारी चिट्ठी देखी, जल्दी में पढ़ी, और पढ़ते पढ़ते जब तुम्हारे खुश्क हुए आंसू के कतरे से मिटे हुए लफ्ज तक पहुंचा तो पूछा खुद से, ऐसा क्या हो गया? आज ठान ली थी कि अपने असूलों की मुखालफत में तुम्हें एक एनिवर्सरी का तोहफा दूंगा। क्या तुमने कभी खुद से पूछा ईशा कि ऐसा क्या हो गया? हम दोनों एक दूसरे के काबिल तो थे, लेकिन शायद हमने एक दूसरे की काबिलियत को कभी समझा ही नहीं।